ले जी, मैं क्या सबसे पहले आप लोगों को अपने सर का अपडेट करूं कि काफ़ी लोग पूछे थे भाई आपकी चोट का क्या बना। भाई ये चोट जो है मेरी बस निशान और निशान के हद तक ही रह गई है। ये पीछे लड़कियां जो हैं अभी पिक्चर्स ले रही हैं, सारे तैयार हुए हुए हैं। हम सारों को आज इनविटेशन है बर्थडे हाइटी के लिए। तो क्या सीन है भाई सुंदस? ये तो अपना पीस ही है, इससे तो रोज़ मिलते हैं। ये हिना जलाल है, ये बिलाल की कज़न जो बिलाल हमारे ब्लॉग्स में होता है, और ये अपनी एक इकलौती बहन है। हाँ जी, क्या ख्याल है शेख साहब, व्यू उसमें नहीं आते ब्लॉग्स में? मैं बहुत शाय शेख साहब कुछ ऐसे ही शाये हैं कि अभी तक नया नया सूट ले गए हैं, इसके पीछे शर्ट के टैग भी लगा है वो भी नहीं अभी तक काटा हुआ। क्यों भाई शेख साहब? हो जाते हैं मैडम क्या आजकल? नहीं नहीं, पहली दफा ब्लॉग में ना, तो थोड़ी नेचुरल लुक नहीं निकालनी, अब नॉर्मल लुक निकालियो। किधर जा रहे हो? इधर आओ, बात सुनो। कम हियर। स्माइल बूथी से जा नहीं रही। ये मामा भी आ गई और साथ वो आ गई है, तो बस आज चलते हैं और ऐसे स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। लड़कियां चारी गाड़ियों में बैठ के तैयार हो गई हैं, कह रही हैं अपने ड्रामेबाजी हसन शेख जरा खत्म करें ना, फिर हम चलें। थोड़ा और इंतजार करवाते हैं, सुंदर से अपनी पिक्चर्स ले रही है, तो चले अंदर चलते हैं, आगे वो लोग भी वेट कर रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ पीसी रावलपिंडी में हाइटी करने जाता। मैं हूँ शेख और ये मेरा व्लॉग। जब भी मैं इंट्रो अपना बनाता हूँ ना, तो मैं करता हूँ कि कमरे में ना पंखा चलाता हूँ ना एसी के, आराम से सारा वो मैसेज सही समझ आए कि शोर वोर ना हो। तो सुंदर तो मेरे साथ ख्वार होती ही होती है। आज ये दोनों भी बेचारियाँ हुई हैं, तो इनसे पूछते हैं भाई क्या हुआ, मज़ा आया कि नहीं? बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। कितनी टेक्स ली है हमने? कोई इतनी गर्मी में जितनी हमने टेक्स ली है। चले ये थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना। अच्छा, अभी हम लोग फंसे हुए मरी रोड की ट्रैफिक के अंदर, तो अभी बस जा रहे हैं पीसी की तरफ, तो रश भी बड़ा सख्त है, दूसरी तरफ तो बहुत ही ज्यादा रश है। पीसी वगैरह पहुंच गए हैं, सनम वगैरह आगे चले गए हैं, एंट्रेंस इधर। सुंदर कोई गिफ्ट भी लिया बेबी के लिए? कोई नहीं, गिफ्ट का तो पता टाइम नहीं था, ऑफिस था सुबह। वैसे आज सीन ये है कि आज हमें सुबह ही पता चला था, तो इस वजह से गिफ्ट लेने का टाइम नहीं मिला। मैं भी ऑफिस से भागता भागता आया हूँ कि हम एटलीस्ट पहुँच जाएँ, तो हमने बस एनवलप में उन्हें पैसे दे देंगे और ये सीन है। अच्छा सुंदर, बाकी तुमने लाहौर पीसी वगैरह भी देखा होगा, इस पीसी के बारे में क्या ख्याल है? तो होगा तो अच्छा ही ऑब्वियसली, बट मुझे लग रहा है कि ये मतलब वो भूलबिन वगैरह से छोटा लग रहा है। या बाकी भी वो जो लाहौर वगैरह पीसी है ना, वो लोग तो ब्लॉग देखेंगे, उन्हें तो पता है वो लाहौर वगैरह वाले कितने बड़े। ये जितनी आपको पार्किंग नज़र आ रही है ना, ये पिंडी का पीसी बस है इतना सही छोटा सा, और ये पीछे होटल है। बाकी अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं, और ये मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टिक अंदर रख लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग होंगे, और अंदर मैं इतना ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊँगा क्योंकि हर किसी को होता है कि हर किसी से पूछ तो नहीं सकता ना, अब आपको व्लॉग में लेके आऊं कि ना लेके आऊं। तो ये बस इधर रख दी और आप अब इधर ही रहें, आपको मिलता हूं थोड़ी देर बाद। इधर पहुंच गए हैं, लेकिन बिल्कुल फैमिली सीन है, तो इस वजह से हम इतना ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर रहे। अच्छा, खाने में हमारे पास है सूप, ये पकौड़ा। सुंदर क्या ले रही हो? हाँ, लॉरी फिश। आगे चलो, गदा कबाब, गंदानी कबाब, गंदानी कबाब। चलो आगे, तो कुछ लो तो सही ना, खाने आई हो, क्या करने आई हो? मैडम थोड़ी आज डाइटिंग पे लग रही हैं कि आज खा नहीं रही कुछ। ओ हो हो, लुक्स डिलीशियस। ओ हो हो, जूसी विंग्स विद सम पैटीज। और आगे से कुछ ले रही हो जो तुमने मजाक ही किया? तो अभी सही भर के बहुत ज़्यादा खा लिए मैं, लेकिन बैठा हुआ कजन्स लड़कों के साथ था, तो उस वक्त ब्लॉग इतना बना नहीं सका। और इधर लेफ्ट राइट लोग मुझे देख भी रहे हैं कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। हिना सही दबा के दबो दब खाई जा रही है। हिना क्या खा रही हो? पिज़्ज़ा या बर्न्ड ब्रेड है? पाइपिंग व्हाट? झूठा रिव्यू दे रही हो? दिस गर्ल इज गिविंग अ फॉल्स रिव्यू। अच्छा, जितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से हिना ये अभी खा रही है ना ये प्लेट, ये उतना ही गंद इसने बाकी पूरे टेबल पे सारा इसी का खाना पड़ा है। क्या ख्याल है? बाकी से भी पूछ के बताते हैं आपका।
उसको देखो, उसकी शक्ल देखो क्या बनी हुई है। एक तो मैं इन तीन को ही एलिजाबेथ को समझा रहा हूँ कि कोई अच्छा सा रिव्यू दे, और मैडम अपने मुंह पे हाथ रख के बैठी हुई है। ये क्या कह रही हो इजी, अच्छा बता दो कैसी है। खा के मोटे मोटे सारे बैठ गए इधर, खा के थक गए, थोड़ा सा वेटिंग एरिया में बैठेंगे फिर हम घर जाएंगे। इसके बाद खाना कैसा लगा भाई तुम लोगों को? बहुत अच्छा, रिकमेंड कर रही हो। तो पीसी का तो वैसे रिकमेंड कर दिए, दोनों मैडम रिकमेंड कर रही हैं। और ये जो अपनी बहन है सनम शेख, ये अंदर सारा वक्त वो मास्क के बगैर फिरती रही और अंदर आकर मास्क लगा लिया। हाँ भाई, इसकी क्या लॉजिक है? यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं, यहाँ पे बंदा ही कोई नहीं है, सारे बंदे जो थे वो उधर थे। चलें बस अभी घर चलते हैं और घर जाके फिर कुछ करते हैं तो वो भी आपको आज दिखाते हैं। आज व्लॉग इतनी जल्दी एंड नहीं करेंगे। और किसी फैमिली मेम्बर की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो इस वजह से मैं रेस्टोरेंट में इतना ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया। और ये जो लोग आपको व्लॉग में नज़र आ रहे हैं, इन सब ने मुझे परमिशन ग्रांट की थी व्लॉग में आने की। रोज मैं ऑफिस से आता हूँ ना, तो ये इतना ज़्यादा रश होता है, देख रही हो कितना रश है। तभी लेट होता यार, ये वाइपर भी ठीक करवाने हैं, ये ख़राब हुए हुए हैं, मतलब ये इसको साफ़ ही नहीं करता। उस तरफ वाला ठीक चल रहा है, इस तरफ वाला ख़राब है। तो अभी हमने किधर जा रहे हैं? पहले दवाई लेने। यस, घर में कोई नॉर्मली वैसे दवाइयाँ ख़त्म हुई हैं तो वो लेनी है, लेकिन इस रश से निकलने में वैसे ही अच्छा खासा टाइम लग जाना है। और बड़ी ध्यान से गाड़ी लेफ्ट राइट से देख के निकालनी पड़ती है कि लग ही ना जाए। अभी रास्ते में रुका हूँ बस मेडिसिन लेने के लिए। सुंदर सुंदर सनम को गप्पे गप्पे सुनाई जा रही है, तो मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ तब। सुंदर, ये मेरा कैमरा पकड़ो और मेरा शॉट बनाना, मैं अंदर से वो ले रहा हूँ दवाइयाँ, मेरा शॉट लेना ज़रा है। में कुछ इस तरह का एक दो फैमिली इवेंट भी हो जाए ना, तो पूरा बंदे का माइंड रिफ्रेश हो जाता है, मतलब अपनी हेक्टिक रूटीन से बंदा फ्री हो जाता है। क्या ख्याल है सुंदर मैडम? सही बात है। एक और बुर्गर। अच्छा वैसे हमें घर आए हुए घंटा डेढ़ घंटा हो गया और सुंदर अभी थोड़ी नई नई अभी भी है, तो थोड़ा सा शर्मा के खा रही थी। तो अभी मैडम आप फुल भर के डबल बर्गर क्या जिंगर खा रही हो? नहीं, हाँ कहीं और से है, पता नहीं मामा कहीं से लेके आए हैं। अच्छा जिस वक्त मेरी नीज घर आए ना सनम की बेटी, तो हमारा घर लेफ्ट राइट पूरा हो जाता है, तो ये जगह अभी पूरी टॉय से भरी हुई है। विनी द पू आ गया, हेलो किटी आ गई, ओ माय गॉड ये क्या टॉय है भाई। सही बात है, लगता कुछ ऐसे ही है कि पिटाई लगाते। कैसे हेलो? तो बस सीन ये है। तो इस नोट पे आज का व्लॉग एंड करते हैं, और अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो कर दें लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय।